कनकल नहीं हम बात कर रहा अरे बाकी तो हट जाओ इसको तो आने दो जो है ड्रिल करना है तो सीमेंट विकेट पे भी कर सकते हैं और प्रॉपर प्रैक्टिस टॉप विकेट पे भी वो करें तो जिसकी जिसकी वजह से बच्चों को फायदा हो जब आप वो प्रॉपर मैच खेलते हैं टॉप विकेट पे तो वो जो प्रैक्टिस यहाँ पे करते हैं उनको फायदा हो। आज कब आपका मौका मिलेगा बच्चों का? नहीं ऑब्वियसली देखिए अभी हम लोग ये जब भी टाइम मिलता है तो हम सारे सेंटर में जाने की कोशिश करते हैं और बहुत सारे सेंटर है अभी जयपुर से अभी मैं कल जयपुर में था वहाँ पे बच्चों के साथ टाइम स्पेंड किया उनके साथ बात की तो जहाँ जहाँ मौका मिलता है उस तरह से हम लोग ट्रैवल करते हैं और पास में होते तो हम एकेडमी में जाके बच्चों को टाइम देते हैं। विराट की बनडे जो कप्तानी है उस पर संकट छाया हुआ है क्या कहेंगे बनडे पे? यार मैं तो ट्रैवल कर रहा था अभी कल ये न्यूज़ आया मुझे पूरी अभी हकीकत पता नहीं है तो उस बारे में बात करना मेरे लिए ठीक नहीं। अच्छा नई जो एज के क्रिकेटर आ रहे हैं उनको जगह मिल रही है आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आपके टाइम में ताकि कोई खिलाड़ी खेलते रहते थे लगातार? नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं था क्रिकेट में कभी ऐसा हुआ नहीं है कि कोई एक प्लेयर खेलता रहे जो परफॉर्मेंस करता है वो हमेशा टीम में रहता है और ये अच्छी बात है टीम के लिए भी और हेल्दी कॉम्पिटिशन भी क्रिएट होता है और ऐसा कभी ऐसा हुआ नहीं है कि कोई एक प्लेयर या 10 प्लेयर खेलते रहते हैं राइट तो हर वो जो अच्छा परफॉर्म करते हैं सबको मौके मिलते रहते हैं। आईपीएल को कितना अच्छा मानते हैं क्रिकेट के लिए? ऑब्वियसली क्रिकेट के लिए बहुत फ़ायदा हुआ है आईपीएल जो बच्चे खेले क्रिकेट उसके बाद जो हमारा टीम अभी आप जो देख रहे हैं तो डोमेस्टिक क्रिकेट हो गया आईपीएल हो गया और इंडियन टीम जो अभी परफॉर्मेंस कर रहा है तो ये पूरी मेहनत है बीसीसीआई की और लड़कों के जो अच्छा कर रहे हैं। अच्छा देश के प्रधानमंत्री खेल को बहुत बढ़ावा दे रहे हैं लेकिन क्रिकेट पर उनका ध्यान नहीं है? नहीं बिल्कुल ध्यान दे रहे हैं बहुत ध्यान दे रहे हैं और खेल के प्रति उनका बहुत लगाव है और खेल को बहुत पसंद भी करते हैं जब वो गुजरात में थे तभी भी बहुत खेल को पसंद करते थे और ये अच्छी बात है कि खेल को इतना महत्व दिया जा रहा है आप सबको खुश होना चाहिए उस चीज़ से सब बच्चों को खुश होना चाहिए जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन है उन सबको खुश होना चाहिए कि हमारे देश का प्रधानमंत्री भी खेल को सपोर्ट कर रहे हैं। बेसिकली यहाँ पे आए हैं किस तरह की अनुभूति हो रही है और एक एकेडमी का आपके द्वारा उद्घाटन किया जा रहा है? देखिए कैप का ये 25वां सेंटर है और बहुत खुशी की बात है कि हम लोग यहाँ पर आज आए और यहाँ पे 40 बच्चे ऑलरेडी रजिस्टर्ड है और यहाँ पे प्रैक्टिस वगैरह खेल करते हैं तो वो देखकर और जानकर बहुत अच्छा लग रहा है और होप यहाँ से और बच्चे यहाँ से निकल के आए और अपने स्टेट के लिए अपने कंट्री के लिए खेले हमारी वही मेहनत रहेगी उनके लिए। अभी बच्चा भी अभी एक बच्चा रणजी के सिलेक्शन में भी ओपन सिलेक्शन में सिलेक्ट हुआ ओपन सिलेक्शन में ओनली 1 मंथ उन्होंने प्रैक्टिस की थी हमारे यहाँ पर एंड आफ्टर 1 मंथ उन्होंने ट्रायल दिया ट्रायल के बाद में हम सबने सपोर्ट किया उसके बाद में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस था। ये बात है कि यहाँ से एक बच्चा निकला है और बिहार से हमारे 6 बच्चे अंडर 19 में खेल रहे हैं और एक वीमेन क्रिकेट में भी एक बच्ची खेल रही है और अलग अलग सेंटर से काफ़ी बच्चे अपने स्टेट के लिए सिलेक्ट हुए अपने 70 लगभग 70 बच्चे हैं जो वेरियस स्टेट डिस्ट्रिक्ट के लिए खेल रहे हैं और अभी इंडिया में प्रतिभाएं बहुत हैं लेकिन कुछ इक्विपमेंट है उनका अभाव है और जो बच्चे उन्हें प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है क्या ये एकेडमी उस प्लेटफॉर्म को ही क्रिएट करेगी जो कि इंटरनेशनल लेवल पर जो छात्र यहाँ से निकले और वो एक भारत का नाम रोशन करें? बिल्कुल हमारा लक्ष्य वही है कि जो बच्चों को फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए वो बच्चों को हम यहाँ पे प्रोवाइड करें एकेडमी के थ्रू जैसे कि बच्चे जो नया टेक्नोलॉजी आ रहा है क्रिकेट के अंदर भी वीडियो एनालिसिस वगैरह जो होता है तो सारा बच्चों को हम लोग यहाँ पे उनके एनालिसिस करें और उनको बताएं कि आप कहाँ पर स्ट्रॉन्ग है कहाँ पे आपको इम्प्रूव करना है तो वो सारी चीज़ें भी हम करते हैं और
ऑब्वियसली फ़ायदा होगा बच्चों को सारी टेक्नोलॉजी के यूज़ करते हुए, जो बेसिकली दूसरा क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड इंडिया में। नहीं ऑब्वियसली मैंने जैसे कहा कि हिंदुस्तान में हमारे 24 सेंटर अभी चल रहे हैं और यहाँ पे वृंदावन में हमारा ये पहला सेंटर स्टार्ट हुआ है। और देखिए यहाँ पे टैलेंट भी है हर जगह पे हिंदुस्तान में, जैसा आपने भी कहा कि हिंदुस्तान में बहुत टैलेंट है, तो हम लोग हर जगह को चुन रहे हैं कि जहाँ जहाँ टैलेंट है और जहाँ जहाँ पे भी कैप के लिए काम आ रहा है हम लोग बिल्कुल वहाँ पे एकेडमीज खोल रहे हैं और बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं और उनको बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं और हर स्टेट का नाम हो, हर जगह का नाम हो, ऐसा हमारा ये लक्ष्य है। एज फैक्टर क्या रखा है आपने बच्चों को? एज फैक्टर तो आई थिंक 8 ईयर से 6 ईयर से 21 के एज के बच्चे आ रहे हैं और उससे भी बड़े हैं, तो वो आके उनका टैलेंट है अगर तो वो अपने स्टेट के लिए खेल सकते हैं, आके एकेडमी में प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्या नेशनल लेवल की प्रैक्टिस बच्चों को मिल पाएगी? नहीं ऑब्वियसली मिल पाएगी क्योंकि हम लोग जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं कि बच्चों को मिले, जैसे कि आप देखिए ग्राउंड इतना अच्छा, ग्राउंड ग्रीन ग्राउंड है, विकेट अच्छे, दो तीन सीमेंट विकेट है, दो टफ विकेट जो बने हुए हैं। जनरली क्लब क्रिकेट जो हम लोग खेले तो टफ विकेट मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि मेक श्योर करते हैं कि बच्चों को टफ विकेट पर भी प्रैक्टिस मिले और सीमेंट विकेट का भी प्रैक्टिस उनको हो, ताकि वो ड्रिल करना है तो सीमेंट विकेट पर भी कर सकते हैं और प्रॉपर